Good morning, students. Today in your English class, chapter 1st, from your reader book, I need to do my work. Chapter 1st jo hai uska naam hai ki I need to do my work. Mera matlab aaj mujhe kaam karna hai. This poem is composed by Alka गैलिन. इस पोयम को किसने लिखा हुआ है? आली गैलिन ने लिखा हुआ है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड पोयम. लेट्स स्टार्ट द पोयम. लर्न दिस इंटरेस्टिंग पोयम बाय हार्ट एंड रिसाइट विद योर पार्टनर्स ऑन एनी ओकेजन ऑफ योर स्कूल. इस पोयम को मजे से सीखो और फिर उसके बाद में अपने स्कूल के किसी मौके पर इस पोयम को अपने दोस्त के साथ में गाओ. आई नीड टू डू माई वर्क टूडे. मुझे आज काम करना है. बट अ ब्राउन बर्ड स्टैंड इन द एप्पल ट्री. लेकिन एक भूरे रंग की चिड़िया जो है, ब्राउन ये जो है भूरे, एक भूरे रंग की चिड़िया जो है वो सेब के पेड़ पर गाया करती थी. एंड अ बटरफ्लाई फ्लिटेड अक्रॉस द फील्ड. और एक तितली जो है वो खेत के ऊपर क्या कर रही है? मंडरा रही है, घूम रही थी. एंड ऑल द लीव्स वर कॉलिंग मी. लीव्स लीव्स क्या होता है? पत्तियां. कॉलिंग मतलब बुला रही, मी मतलब मुझे. और सभी पत्तियां जो है मुझे बुला रही थी. एंड द विंड वेंट सिंगिंग ओवर द लैंड. और हवाएं जो थी वो जमीन के ऊपर गुनगुनाती हुई जा रही थी. टॉसिंग द ग्रासेस टू एंड फ्रो. और जो घास थी वो उस हवा से क्या कर रही थी? कभी आगे और कभी पीछे हिल रही थी. एंड अ रेनबो हैड आउट इट्स शाइनिंग हैंड. रेनबो मींस क्या होता है? इंद्रधनुष, जिसमें कितने कलर होते हैं? 7. आप सभी को पता होगा. शाइनिंग मींस क्या होता है? चमकता हुआ. एंड मतलब हाँ. और इंद्रधनुष जो है वो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे अपना चमकता हुआ हाथ जो है वो निकाल रहा है. मतलब बादल में जब इंद्रधनुष निकलता है तो वो हमें कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कोई चमकता हुआ हाथ हमें दिखाई दे रहा हो. सो व्हाट कुड आई डू बट लाफ एंड गो. तो मुझे क्या करना चाहिए? इसमें जो राइटर, जो पोइट है आर्ली गैलिन, वो क्या कह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए उस जगह पर? रुक जाना चाहिए, हंसना चाहिए उस जगह पर मुझे, या फिर चले जाना चाहिए?